योग्यताओं के संदर्भ में तीन बातें याद रखने वाली है। वह राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में मैंने आपको कल बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का नहीं वरन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का मतलब होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे कि प्रधानमंत्री का हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, तो प्रधानमंत्री डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। प्रधानमंत्री को हम जाकर मत देते हैं, इस दृष्टिकोण से जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड होता है। लेकिन राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्शन किया जाता है निर्वाचित, यानी कि अब यहां पर इलेक्टोरल कॉलेज कौन है? इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य रखे जाते हैं। प्रारंभ में इन्हीं को रखा गया था, लेकिन आगे चलकर 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत अब देश की विधानसभाओं यानी सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया। विधानसभा के अलावा आगे चलकर इसे इसमें जोड़ दिया गया यूनियन टेरिटरीज को भी, संघ शासित प्रदेशों को भी। तो देश के 9 संघ शासित प्रदेश आज की डेट में कितने हैं? 9 संघ शासित प्रदेश। तो 9 संघ शासित प्रदेश और देश के सभी राज्यों के द्वारा निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड होकर जो आए हैं, नॉमिनेटेड नहीं, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, निर्वाचित। निर्वाचित यानी कि जो चयनित होके आए हैं, ना कि जिन्हें नामित किया गया हो। अब नॉमिनेटेड में कौन आते हैं? अगर हम संसद में जाएं तो लोकसभा में नामित होते हैं 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य। वो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चयनित किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं। जबकि जो अन्य राज्यसभा से देखें तो 12 ऐसे सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। लेकिन अब यहां पर देखें तो राष्ट्रपति ही नॉमिनेट कर रहे हैं, तो चूंकि राष्ट्रपति नॉमिनेट कर रहा है तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये लोग सम्मिलित नहीं होंगे। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन सम्मिलित हो रहा है? राष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ सम्मिलित होंगे तो निर्वाचित सदस्य, यानी जो चयनित होकर आए हैं, जो चयन करके जिनको भेजा गया है। तो संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को यहां पर चुनने के लिए बुलाया जाता है। अब ये जो चुनाव करते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मैंने कल इस चीज को बताया था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातित, अनुपातित प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। और यहां पर एक और चीज जोड़ेंगे, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय मत प्रणाली। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, दो प्रकार की यहां पर प्रणाली अपनाई जा रही है। सबसे पहली बात, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, यानी अभी ये कहा गया कि संसद के दोनों सदन के सदस्य, सांसद सदस्य और देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं और संघ शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के विधायक वोट कर सकेंगे। अब इस हिसाब से देखें तो देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं की अगर विधायकों को जोड़ लें तो इनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास पहुंच जाएगी। संसद के सदस्यों की संख्या देखें तो उनकी तुलना में कम होगी, तो अगर विधानसभाओं के ज्यादा लोग हो गए तो फिर ज्यादा मत हो जाएंगे। इस प्रकार से अब अगर हम एक मत को, एक व्यक्ति को के मत को एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू में नापेंगे तो इस दृष्टिकोण से तो मत संख्या ज्यादा होने के दृष्टिकोण से जो है, जो ज्यादा मत करेगा उस व्यक्ति का चयन हो जाएगा। और इस प्रकार से देखें तो ये चयन ठीक होगा, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो विधायक कुछ क्षेत्र से आया हुआ, यानी कुछ व्यक्तियों के द्वारा चुना गया है, जबकि सांसद सदस्य बहुत से व्यक्तियों के द्वारा चुना गया सदस्य।
तो सांसद सदस्य बहुत से व्यक्तियों के द्वारा चुना गया सदस्य, विधायक कम व्यक्तियों के द्वारा चुना गया सदस्य। इस दृष्टिकोण से सांसद सदस्य की मत वैल्यू यानी उसकी वोट वैल्यू ज्यादा होगी और विधायक की वोट वैल्यू कम मानी जाएगी। बात समझ गए, मत क्षमता के अनुसार। एक और बात आती है, अगर हम एक सिक्किम के सांसद या सिक्किम के विधायक को लें तो वो 50,000 लोगों पर एक विधायक बन जाता है क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले पर, साधारण जिले में भी चले जाए या इलाहाबाद या प्रयागराज के जिलों को ले लें, तो यहाँ पे 50,00,000 की आबादी पर एक सांसद हो रहा है। अब ऐसे दृष्टिकोण से देखें तो 50,000 और 50,00,000, ये भी तो देखें कि 50,000 पर एक सांसद का मत और 50,00,000 पर एक सांसद का मत, तो इसलिए अनुपात के आधार पर उनकी वोट वैल्यू निर्धारित किया जाएगी। यानी जो ज्यादा लोगों पर चयनित होकर आया है उसकी वोट वैल्यू ज्यादा होगी और जो कम लोगों पर चयनित होकर आया है उसकी वोट वैल्यू कम होगी। इस प्रकार से यहां पर चयनित चयन करने का आधार बनाया गया, ज्यादा और कम। तो ज्यादा लोगों पर चयन होकर आया तो उसकी वैल्यू ज्यादा, तो अनुपात के आधार पर रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में एक सिस्टम बनाया गया जिसमें सपोज करें कि चार आदमी खड़े हैं उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए, ए बी सी डी। तो यहां पर जब चयन होगा तो हर व्यक्ति अपने वोट देगा। वोट कुछ इस प्रकार से होगा कि चयन करने वाला व्यक्ति अपने मत चारों को देगा, यानी मेरी पहली पसंद है ए, मेरी दूसरी पसंद है सी, मेरी तीसरी पसंद है बी, मेरी चौथी पसंद है डी, इस प्रकार से मत देगा। अब हर व्यक्ति अपने मतों को अपनी इच्छा अनुसार अपने वोटों को देगा क्रमवार। अब इस प्रकार से ए को कुछ लोगों ने एक मत दिया, किसी ने इसे दूसरी पसंद माना, किसी ने इसे चौथी पसंद माना, किसी ने फिर इसको पहली पसंद माना, इस प्रकार से देखें तो यहां पर हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद निर्धारित हो जाएगी। अब हर एक उम्मीदवार अलग अलग यहां पर देखें, सपोज करें कि किसी ने तीसरा, किसी ने चौथा, किसी ने पहला, किसी ने तीसरा, इस तरह से हर व्यक्ति ने अपना मत दे दिया, समझ रहे हैं। अब यहां पर हर एक व्यक्ति का मत कैलकुलेट होगा, तो इनका पहले के मत, दूसरा का मत, तीसरा का मत, चौथा का मत, तो वैल्यू पॉइंट वाइज ऐड होगा, वैल्यू पॉइंट वाइज ऐड होगा। बात समझ आया, वैल्यू पॉइंट वाइज ऐड होगा। अब मान लीजिए कि यहां पर किसी ने चौथा भी दिया है, किसी ने दूसरा दिया है, दो जा रहा है, तो अब देखिए यहां पर एक दो दो चार, तो अब यहां पे देखिए तो दो बार सेकंड पोजीशन मिली, एक बार फर्स्ट पोजीशन मिली, एक बार चौथी पोजीशन मिली, इसी तरीके से सबकी वोट वैल्यू बदल जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि विधायकों ने ज्यादा पहली पसंद बोली है तो वही ज्यादा सिलेक्ट होगा, टोटल वैल्यू काउंट होगा, हर एक की वैल्यू काउंट होगी जो पॉइंट्स में आएंगे, समझे। सिंगल ट्रांसफरेबल मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार वैल्यू यहां पर ट्रांसफर होकर सबकी वैल्यू कैलकुलेट करके जो ज्यादा इवैल्यूएटेड पर्सन होगा उसको फिर राष्ट्रपति के लिए चुना जाएगा। इस प्रकार से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, समझ आया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, देखिए ए बी सी डी चार लोग खड़े हैं, ए को वन किसी ने, दूसरे ने दूसरी पसंद, किसी ने चौथी पसंद, किसी ने तीसरी पसंद, इस तरह से अपनी अपनी पसंद दिया। लेकिन अब ए की वैल्यू वन के हिसाब से मान लीजिए 10 अंक मिलते हैं, सेकंड के हिसाब से 5 अंक मिलते हैं, चौथे के हिसाब से 2 अंक मिलते हैं, तीसरे के हिसाब से 4 अंक मिलते हैं, इस तरह से उसके अंक जोड़ते जाएंगे। प्लस वो पसंद विधायक की पहली पसंद है कि सांसद की पहली पसंद है, उसके हिसाब से उसकी वोट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। बात समझ आ रहा है, तो इस तरीके से यहां पर तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, सबकी वैल्यू इवैल्यूएट होगी। और इवैल्यूएशन के बाद, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है लेकिन यहां पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि हर एक की अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उसकी वोट वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी पसंद के अकॉर्डिंग वोट वैल्यू कैलकुलेट होगी और वो फिर अपने वोट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी टोटलिंग का कैलकुलेशन इवैल्यूएट किया जाएगा। बात समझ में आया सभी, यहां क्लियर हुआ ये बात, समझ में आ रहा है। ठीक बेटा, ठीक पूजा, आपको समझ में आ रहा है ये बात, पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक, तो इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्लियर, इसे कहेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ऑलराइट, ठीक है।
तो अभी मैंने आपसे बात करी कि एकल संक्रमणीय मध्य प्रणाली क्या है और मैंने आपको बता दिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। अनुपात के अनुसार रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, उनके अनुपात के अनुसार, उनके प्रोपोर्शन रेशियो के अनुसार उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। और सिंगल ट्रांसफरेबल मत प्रणाली, जिसका मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति में, हर व्यक्ति में मत को वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा, उन मत की वैल्यू के अकॉर्डिंग उनका टेबुलेशन कैलकुलेशन होगा। ये मैंने आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वैल्यू समझाया। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी इनके वेतन भत्तों के संबंध में, तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां और भत्ते प्राप्त होंगे, उन्हें निशुल्क निवास स्थान और पद के गौरव के अनुरूप अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। अब यहां पर मैंने आपको कल बताया था पद के गौरव के अनुरूप, यानी उनके पद के सम्मान के अनुसार। अब अगर उनके पद के सम्मान के अनुसार ये देखा जाएगा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हाई सुपरसोनिक हवाई जहाज में चलते हैं, तो भारत के भी राष्ट्रपति को वो सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से अगर भारत का राष्ट्रपति कहीं जाकर ये कहता है कि हमें इस प्रकार के ड्रेस कोड को पहनना है, तो उन्हें वो ड्रेस कोड मिलेगा, यानी कि वो उनके सम्मान के दृष्टिकोण से। अब उनके सम्मान के दृष्टिकोण से वो साधारण रूप से, वो अगर एक राष्ट्रपति का कोड है, उस राष्ट्रपति के कोड में ही उन्हें आना होगा। ये नहीं कि वो किसी भी तरीके से चले जाएंगे, कोई भी एम्बेसडर या कोई भी व्यक्ति भारत में आता है तो वो उससे मिलने चले जाते हैं, तो वो एक प्रकार से उनके लिए ड्रेस कोड बनाया गया, उस कोड में वो जाएंगे, उस कोड में वो मीटिंग करेंगे, उनके साथ इतने लोग होंगे, उनके सम्मान के दृष्टिकोण से उनको ये सुविधाएं प्रदान किया जाएगा, वो सब कुछ देश की संचित निधि से उनको मिलेगा। ये आर्टिकल नंबर 59 में इनके संबंध में वर्णन किया गया। अब इनका वेतन कितना होता है, इस पर चर्चा होती है कि इनका वेतन क्या है, तो इनका वेतन 5 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, 5 लाख मासिक। सबसे ज्यादा वेतन राष्ट्रपति का होता है, फिर राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, और इस क्रम में देश के अन्य पदेन अधिकारियों का वेतन घटता हुआ जाता है। अब राष्ट्रपति अगर रिटायर्ड, यानी एक राष्ट्रपति जब अपने पद पे ना होगा या अवकाश ग्रहण कर लेगा, तो उसे कितना धन मिलता है एज ए पेंशन। एज ए पेंशन उसे मूल वेतन, जो उसका वेतन था 5 लाख रुपए, उसका आधा यानी 50% आपको वेतन का आधा यानी 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह उसे पेंशन दिया जाता रहेगा। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष देश की संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित, प्रतिरक्षित। अब ये तीन शब्दों का बहुत ध्यान रखना है, संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित करने का। संविधान, संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण यानी संविधान को संरक्षित करेगा, प्रतिरक्षित करेगा और सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित। तो इस संबंध में वो तीन कार्य उसके रखेगा, प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा। किसको करेगा? भारत को नहीं, भारत के संविधान को करेगा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि वो भारत के संविधान को, भारत को, ठीक है, भारत के शासन को, तो ऐसा कुछ नहीं, भारत के संविधान को, भारत के संविधान को संरक्षण करेगा, संविधान का संरक्षक होगा, गार्जियन होगा, प्रतिरक्षण करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षित करेगा, उसे डिफेंड करेगा। इस प्रकार से वो संविधान को संरक्षित, प्रतिरक्षित और सुरक्षित करेगा। किसमें कहा गया है? आर्टिकल नंबर 60 में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आर्टिकल नंबर 60 में यह बात कहा गया है। क्लियर, समझ में आ रहा है पॉइंट, क्लियर है? चलिए आगे बात करूंगा राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में क्या कहा गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में कहा गया है कि वो 5 वर्ष की उसकी कार्यकाल सुनिश्चित किया जाएगा। यदि मृत्यु या त्याग या महाभियोग द्वारा वो पद से च्युत हो गया, पद से हटा दिया गया, तो अब जब वो पुनः चयनित होगा तो पुनः अगले पूरे 5 वर्षों के लिए जो भी राष्ट्रपति आएगा वो चयन किया जाएगा, ना कि बचे हुए अवधि के लिए चयन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बार राष्ट्रपति पद से त्याग पर हो जाता है, एक राष्ट्रपति का चयन हुआ, 2 साल वो राष्ट्रपति रहता है, फिर मृत्यु हो जाती है, या उसने त्याग पत्र दे दिया, या उसको महाभियोग की वजह से हटना पड़ गया, तो अब 3 वर्ष जो बचे थे, तो एक नए राष्ट्रपति का चयन 3 वर्ष के लिए ना होकर के पूरे 5 वर्ष, अगले पूरे 5 वर्ष के लिए किया जाएगा, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए नए राष्ट्रपति का चयन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है।
इसके बाद है राष्ट्रपति अपने पद पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में समझिएगा। राष्ट्रपति अपने पद पर है तो अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई भी कार्य उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति है तो उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलेगा, किसी भी हियरिंग में उसको नहीं बुलाया जाएगा, यानी उसे किसी भी हियरिंग पर आदेश पर आने की जरूरत नहीं है, वो उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। अगर कोई मुकदमा चल रहा था तो वह उस तिथि से जब तक वह राष्ट्रपति रहेगा वह मुकदमा रोक दिया जाएगा, उसकी तारीख वहीं से रुक जाएगी। जब वह राष्ट्रपति पद से हटेगा तभी उसके उसको कोर्ट में न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया जाएगा। अब मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का उसके राष्ट्रपति होने के समय ही अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा भी है तो 2 महीने के नोटिस देने के बाद किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। 2 महीने का नोटिस देने के बाद राष्ट्रपति किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है राष्ट्रपति के खिलाफ, लेकिन राष्ट्रपति को न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं होगा किसी न्यायालय में, और राष्ट्रपति को किसी भी जेल में कारागार में नहीं रखा जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि राष्ट्रपति देश का मुखिया है, राष्ट्रपति देश का प्रधान है, और अगर देश के प्रधान को जेल में बंद कर दिया जाए, देश के प्रधान को सजा याफ्ता बना दिया जाए, ऐसी दशा में अचानक एक बारगी देश पर हमला हो जा सकने की गुंजाइश महसूस हो सकती है, देश की स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है, स्वायत्तता को खतरा हो सकता है, देश की संप्रभुता की खतरा हो सकता है। इस दृष्टिकोण से देश के सर्वप्रथम व्यक्ति को सुरक्षित रखा गया है, यानी उसको किसी भी न्यायालय में उस समय जब वो राष्ट्रपति है उसे बुलाकर डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने पर ऐसा इसलिए रखा गया कि हो सकता है विपक्षी या कोई अन्य व्यक्ति उसको डिस्टर्ब करने के लिए उस पर अनाधिक रूप से एक गलत मुकदमा भी लगा सकते हैं जिससे वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाए, और फिर अगर वह स्वयं मेंटली रूप से डिस्टर्ब होगा तो राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की खतरा, राष्ट्र की स्वतंत्रता संप्रभुता के लिए खतरा बन सकता है। राष्ट्र की रक्षा करने के दृष्टिकोण से उसे सुरक्षित किया गया, प्रिजर्व किया जा रहा है, इसे ये विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की शक्तियां अनन्य शक्तियों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 61 में एक और अन्य बात कही गई है कि कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु संविधान के इस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने में पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग क्या है इस पर मैं पूरा एक वीडियो अभी आपको क्लियर करूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन साधारण दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं तो महाभियोग के ही द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के प्रमुख न्यायाधीश और उपस्थित अनुपस्थित, अगर मान लीजिए हाँ अगर वो पद ग्रहण कर रहे हैं तो पद ग्रहण करते समय उनको शपथ कौन दिलाएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, तो उनको शपथ दिलाएगा भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर मान लीजिए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय नहीं उपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठतम जज यानी न्यायाधीश उसके समक्ष उनको शपथ दिलाया जाएगा। यह हुआ शपथ दिलाने के संबंध में, लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है और रिजाइन करना चाहता है तो रिजाइन करने के लिए उसे भारत के उपराष्ट्रपति को वो अपना रेजिग्नेशन सौंप सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन सौंप करके रिजाइन कर सकता है। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन के संबंध में पूछा गया कि राष्ट्रपति की स्थिति में एक बदलाव, तो राष्ट्रपति की स्थिति में 44वां संविधान संशोधन करके बहुत बड़ा बदलाव किया गया। 44 यानी 44 यानी 4+4 8, मैंने आपको ये पढ़ाया था 4+4 8 होता है, इसके अनुसार 78 यानी 1978, और अगर 42वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 4+2 होगा यानी 6 यानी 1976, लेकिन 44वां संविधान संशोधन यानी 1978, 1978 में ये संविधान संशोधन बनाते समय राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती कर दी गई। राष्ट्रपति इससे पूर्व में देश के किसी भी बिल को रोक सकता था जब तक चाहे, लेकिन अब वह राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति सभी बिलों को रोक, राष्ट्रपति किसी बिल को नहीं रोक सकता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होता है इस संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह मंत्रिपरिषद को इस परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कहे,
एक बार वो बिल को रोक करके राष्ट्रपति पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है, मंत्रिपरिषद उस पर पुनर्विचार करके या थोड़ा बहुत संशोधन करके जो बिल को तब भेजता है, उस बिल पर एज यूजली उस बिल पर राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं होती। अब राष्ट्रपति अगर सहमति करता है तो राष्ट्रपति की सहमति पर उस बिल को मान लिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति अब उसको रोक नहीं सकता, यानी राष्ट्रपति को उसको सहमत करना होगा, राष्ट्रपति को दस्तखत करना होगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति कब करेगा दस्तखत, ये स्पष्ट नहीं है। इस दृष्टिकोण से देखें तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति हो जाती है, वो है वीटो पावर, जिसके अनुसार वो बिल को अपने पास रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, जब इच्छा हो, जब समय लगे, जब उसे सही समझ में आए तब तक के लिए वो सुरक्षित रख सकता है, यानी वो बिल को लेगा अपने जेब में रख सकता है, पॉकेट वीटो कहते हैं। उसके बाद जब वो स्वतंत्र होगा, जब उसकी इच्छा होगी तब वो दस्तखत करेगा। इस प्रकार से वो उसे बिल को एक्सटेंड कर सकता है, बिल को खींच सकता है। लेकिन दूसरी बात देखा जाए, मनी बिल के संबंध में क्या लिखा है, मनी बिल के संबंध में कहा गया है कि मनी बिल के संबंध में वो अब बिल को उस रोक नहीं सकता, और मनी बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। अगर स्वीकृति नहीं भी देता है तो भी मनी बिल पास हो जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्र के विकास के लिए इकोनॉमिक पर्पस पर रोक नहीं लगा सकता। यह है राष्ट्रपति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको मैंने आपको कल के क्लास तक में एक्सप्लेन किया था। आज मैं आगे राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। तो उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं सीधा आप शेयर कर रहा हूं पेज को, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है, अभी स्क्रीन दिख रहा था आप लोगों को? अभी तो सर आप दिख रहे हैं। अच्छा, मतलब हम ही दिख रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, अब आप क्या दिख रहा है पूजा? स्क्रीन दिख रही है। अब स्क्रीन दिख रहा है, नोट्स दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, तो चलो फिर आगे की पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहां से रुका था महाभियोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।